दोस्तों इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन में अगर आपको रैंक वन आना है या फिर ज्यादा अमाउंट अर्न करना है तो आपको ये तीन गलतियां नहीं करनी होगी। ऐसी तीन गलतियां क्या है जो आप बार बार करते हैं ड्रीम इलेवन पे, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी देने वाले हैं कि आगे चल के आप ये तीन गलतियां नहीं करें। तो ये तीन गलती क्या है जो आप बार बार करते हैं जिसके कारण आप 39 या 49 की लीग ज्वाइन करते हैं उसे भी आप बाहर हो जाते हैं, आप खुद का अमाउंट भी रिकवर नहीं कर पाते हैं, आप लॉस में चले जाते हैं। तो ज्यादा अमाउंट अर्न करने के लिए हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे कि आपने क्या गलती की है आज तक और वह गलती आपको आगे नहीं करनी है और आगे से आपको क्या ध्यान रखना है वो सारा कुछ बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले आप लोग गलती करते हैं वो है टॉस। टॉस का जैसे पता लीग से 30 मिनट पहले ही चल जाता है। टॉस जीतकर अगर कोई टीम पहले बैटिंग करने का फैसला करती है तो मतलब पिच जो है कि बैटिंग पिच है। अगर टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करने का फैसला करती है तो मतलब बॉलिंग पिच है। तो पिच रिपोर्ट आपको यहां से पता चल जाता है। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कौन सी टीम टॉस जीती है और कौन सी टीम ने क्या फैसला लिया है। सेकंड जो है हाईएस्ट सिलेक्शन प्लेयर। तो सबसे ज्यादा बड़ी गलती आप यहीं पे करते हैं। 90% से 80% में जो भी सेलेक्ट हो रहा है होता है उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी टीम में और आपको फिर लगता है कि मैंने बहुत अच्छी टीम बनाई है और हमें ड्रीम इलेवन में रैंक वन आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा लेकिन सिर्फ आपको ही लगता है, ऐसा होता नहीं है कि मैंने बहुत बेहतरीन टीम बनाई है, लेकिन आपने ऐसी कोई टीम नहीं बनाई बेहतरीन। इससे होता यह है कि आपके 5 से 6 प्लेयर ही सिर्फ डीटी में आ जाते हैं। डीटी का मतलब ड्रीम टीम, और वो भी बाद में पता चलता है कि आपके 5 से 6 प्लेयर डीटी में हैं, बाकी सारे प्लेयर डीटी से बाहर हैं। और आप क्या गलती करते हैं, गलती आपकी यही होती है कि आप उन प्लेयरों को सेलेक्ट करते हैं जिसका सिलेक्शन परसेंटेज ज्यादा होता है। तो आप सेकंड गलती यही करते हैं। थर्ड जो गलती है आप वो करते हैं CNVC मतलब कैप्टन और वाइस कैप्टन को चूज करने पे। यहाँ पे आप क्या करते हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन में सिलेक्शन परसेंटेज देखते हैं कि किसका ज्यादा है, इसीलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। थर्ड गलती आप ये करते हैं बार बार। दोस्तों आपको करना ये है कि अपनी टीम बनाने से पहले की हाईएस्ट परसेंटेज सिलेक्शन वाले प्लेयर्स को नहीं लेना है, एटलीस्ट सभी को आप सिलेक्ट मत करें। और ये याद रखना कि आपको हाईएस्ट परसेंटेज में CVC नहीं बनाना है। ये तीन गलती आप करते हैं और इससे यही होता है कि आप सिर्फ 5 से 6 प्लेयर ही आपके ड्रीम टीम में आ पाते हैं। इससे ये होता है कि आपने अगर 39 या 49 का लीग खेला होता है बस आप यही जीत पाते हैं और कभी कभी यहाँ से भी आप बाहर हो जाते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे जीतना है, कैसे ज्यादा अमाउंट विन करना है और हमारा आज तक जितना भी लॉस हुआ है उसे हमें रिकवर कैसे करना है, तो वो चीज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे हम ये तीन गलती करने से बचे जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जीत सके और हमारे ज्यादातर प्लेयर ड्रीम टीम में कैसे आएंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि टॉस जीतने के बाद अगर टीम बैटिंग चूज करे तो ये बैटिंग पिच है, और अगर बैटिंग पिच है तो हम प्लेयर्स कैसे चूज करेंगे, 2 ओपनर को सेलेक्ट करेंगे। अगर टॉस जीतने के बाद बॉलिंग चूज करेगी टीम तो पिच बॉलिंग पिच है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करना है मिडल ऑर्डर को, बैट्समैन को। हम बॉलर इस तरह से सेलेक्ट करना है, अगर बैटिंग पिच है तो हमें स्पिनर्स को सेलेक्ट करना है, और अगर बॉलिंग पिच है तो पेसर और स्पिनर दोनों को हम चूज कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्पिनर को हम ऑलराउंडर से भी ले सकते हैं, इसीलिए हम पेसर्स को ज्यादा लेना है बॉलर्स में। इसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स में क्या करना है, ऑलराउंडर्स में आपको स्पिनर लेना है और ऑलराउंडर को सेलेक्ट करना है जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों में ही कंट्रीब्यूट देता हो। इसका ये फायदा होता है कि आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही आपको पॉइंट्स देगा वो, और आपको यहाँ पे ऑलराउंडर हाईएस्ट सिलेक्शन वाला ही सेलेक्ट करना है जो कि हाईएस्ट सिलेक्शन में सेलेक्ट हो रहा हो, जो कि 80% से 90% में सेलेक्ट हो रहा हो। और आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो ऑलराउंडर है वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और आप जीत सकते हैं, और हो सकता है कि आप रैंक वन भी ला सकते हैं। अब बारी है कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाएं, ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि आप कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे चुने कि हमारा कैप्टन भी अच्छा खेले और वाइस कैप्टन भी अच्छा खेले और हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिले। अगर आपका कैप्टन या वाइस कैप्टन अच्छा नहीं खेलता है तो आप रैंक वन क्या विनिंग जोन से भी बाहर हो सकते हो। कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने का एक ट्रिक है जो सभी को नहीं पता है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 5% से कम हो, और फिर जाहिर सी बात है कि इन्हें कैप्टन कोई नहीं बना रहा होगा, लेकिन आप इन्हें ही कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं
जिनका भी सिलेक्शन परसेंटेज 5% से अगर कम हो तो। अगर आप 5 टीमों का कैप्टन और वाइस कैप्टन इस तरह से बना लेते हैं तो आपको रैंक 1 आने से कोई नहीं रोक सकता, और अभी तक आपने जितना भी लॉस करा है वो सारा रिकवर कर पाएंगे। मैंने आपको जैसा भी बताया है, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरह से देखा होगा और आपने ये सब तरीका सही से समझा होगा तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छा खासा पॉइंट अर्न करेंगे और आपने अभी तक जितना भी लॉस करा होगा वो सभी लॉस आप रिकवर कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो या फिर आपको किसी तरह का हेल्प पहुंची हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।